हमारे बीच विख्यात मिश्रा हैं, मैं इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूं। अब आपको ओरिजिनल आनंद आने वाला है कि अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे। यह जवानी का स्कूल है, हम युवा हैं, हमारी पहली पहचान क्रोध हुआ करती है, हमारी पहली पहचान प्रश्न हुआ करती है कि हमने सदैव प्रश्न किया है, चाहे वह सत्ता से हो, चाहे वह अपनी व्यवस्था से हो, चाहे सामाजिकता से हो। उस प्रश्न को करने के लिए अगर पहला माध्यम था तो वह साहित्य हुआ है। मैं आपको वो नाम दे रहा हूं जिसने देश भर में कविता की ओजस्विता को बचाए रखा है, बनाए रखा है और देश में वायरल है। अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, दिनकर ने इसी दिन के लिए, इसी ऐसे लोगों के लिए ही लिखा था कि अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, कुचित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। विख्यात मिश्रा, यशस्वी मंच को प्रणाम करता हूँ। कला विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से कविता के प्रति आपके संस्कार और इस विद्यालय का जो वातावरण है वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। मैं हमारे कुलपति महोदय सामने बैठे हुए हैं, फादर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। तो कहना चाहता हूँ चार चार पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करने की, चार चार पंक्तियों से अपनी। मैं जब पढ़ने के लिए आया तो विनय मेरी भूमिका में बहुत कुछ बता रहे थे, अपराधी जैसे लग रहे हैं, दुबले पतले कदकाठी के, ऐसा वैसा। देखो मुझे तो मंच के लोगों ने भुखमरी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। मेरा थोड़ा अब आनंद लेना, यहाँ से खुलने की कोशिश करना। मुझे देख करके लगता होगा कि इस देश में बहुत गरीबी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे मंच के अध्यक्ष हैं नीतीश श्रीवास्तव जी, आप इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस देश में गरीबी क्यों है। तो इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाना। और आप मेरा यकीन करो, मुझे आप बड़े, मतलब इसमें हल्के में मत लेना, थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि मेरा चेसिस जरूर स्प्लेंडर का लगा हुआ है लेकिन अंदर इंजन बिल्कुल बुलेट वाला है। जब एक बार स्टार्ट, आइए। और बच्चा अभी लड़कों की व्यथा बता रहा था साहब, बड़ी व्यवस्था है, उसको बताना पड़ा कि हम लड़के हैं। ये समय यहाँ तक आ गया है कि ये बताना पड़ता है कि हम लड़के हैं, बड़ी व्यवस्था है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दो नारे दिए और दोनों ही नारों पे मेरी बड़ी उनसे मेरे बड़े मतभेद हैं। मैं बड़ा प्रिय प्रधानमंत्री सबके, लेकिन मेरे दो नारों पे बड़े मतभेद हैं। एक तो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद में घर घर में शौचालय बनवाने की योजना लेके आए। तो हम कवियों की तरफ से एक प्रश्न उठा कि भाई जब ना खाओगे ना खाने दोगे तो ये घर घर शौचालय बनवाने का मतलब। और दूसरा एक नारा और उन्होंने दिया, उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने मोदी जी से कहा कि भाई ये तो एक पक्षी बात हुई, हम लड़के क्या शारदा की बाढ़ में बहके आए हैं, हमें क्यों ना बचाओ। तो उन्होंने कहा बेवकूफ तू जानता नहीं है, जब एक बेटी शिक्षित होती है तो एक पूरे परिवार को जाकर के शिक्षित करती है। मैंने कहा वो जो उसके चक्कर में 40 लड़के फेल हो रहे हैं उसका क्या। मुझे बोले कि लड़के गोल्ड फ्लेक लाते रहेंगे, लड़कियां जाएंगी गोल्ड मेडल ले आई जाकर के। और मैं अब बात, क्योंकि व्यंग के बड़े कवि बैठे हुए हैं, ये सब मंच की संपदा है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मेरा कायपाठ अभी होना शेष है, मैं थोड़ा सा आपको माहौल में ला रहा हूँ, रंग में ला रहा हूँ। ये हमारे पूरे मंचों की संपदा है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के बेटे भुलक्कड़ हो सकते हैं, भूलने वाले हो सकते हैं, कभी कभी रणभूमि में अपने शीश तक भूल करके इस देश के बेटे आए हैं। और याद करिएगा ये गोल्ड फ्लेक, और मैं कहना चाहता हूँ सुनिएगा, ये रियो ओलंपिक के अंदर हमारी बेटियाँ मेडल लेकर के आती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक बेटी मेडल लेकर के आई तो एक गोपीचंद फुलेला ने अपनी पूरी जिंदगी उसको शिक्षा देने में, दीक्षा देने में लगा दी थी, इसलिए वो बेटी मेडल लेकर के आई। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपने
काव्य पाठ की ओर आता हूं। मैं इस तरीके से आनंद की बातें बहुत देर तक की कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कुछ बातें आपके बीच में शुरू करने की कोशिश करता हूं। हमारी सरकार एक आयोजन कर रही है जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ज्ञात अज्ञात उन लाखों बलिदानियों को प्रणाम नमन करना है। मैं वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहे थे, आज़ादी हो रही, आप राजनीतिक लोगों के स्पीच सुनते हैं, वो कहते हैं इस पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, वो कहते नहीं इस पार्टी के लोगों का क्या योगदान है। हम अपने आप में उंगली उठाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुकरात लिखते हैं कि जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपके गिरेवान में झांक रही होती। मैं आपस में अपने लोगों से कुछ प्रश्न करता हूं, सुनिएगा। और बिल्कुल विनय पहली बार पढ़ रहा हूं, सुना कि हुए ना बुलंद खुले नहीं रहे बंद, उन स्वर्ण महलों के स्वर्ण द्वार कहां सोए थे। सोने की चिड़िया कहा जाता है इस देश को, सुनिएगा। कि हुए ना बुलंद खुले नहीं रहे बंद, उन स्वर्ण महलों के स्वर्ण द्वार कहाँ सोए थे। और फांसियों पे झूले थे गरीब बेटे भारती के, आज़ादी के सारे ठेकेदार कहाँ सोए थे। तो कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी दिखा ही नहीं, कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी दिखा ही नहीं, वामपंथी कवि पत्रकार कहाँ सोए थे। और क्रांति के लिए पड़े थे लूटने खजाने यदि, राजे महाराजे साहूकार कहां सोए थे। जी राजे, क्रांति के लिए पड़े थे लूटने खजाने यदि, राजे क्रांति के लिए क्रांतिकारियों को सरकारी खजाने लूटने पड़ते थे तब जाके क्रांति के हथियार जुटाए गए। क्या इतना भी पैसा नहीं था, देश के लोग रोटियां तक नहीं देते थे उनको। तो कहना चाहता हूं आज जिनके लिए आजादी का 75वां वर्ष और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, तो कहना चाहता हूं एक परंपरा को खूब मान सम्मान मिला होगा, लेकिन एक परंपरा के साथ अन्याय इस देश ने किया। मैं उस परंपरा के पक्ष में भी चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे पावन प्रदीप्ति के प्रभास को न भूलना। शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे वीरता के अंतिम प्रयास को न भूलना। तो भारती के भाल पर रचने का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, बलिदान हुई किसी सांस को ना भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है पड़म में, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। इतिहास है पड़म में, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। क्रांतिवाद और तो वो क्रांतिवादियों का इतिहास चलता हुआ आजादी के उस महानायक तक की पहुंचता है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से कुछ पंक्तियां आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो कौन सा महानायक है, कुछ पंक्तियों में आपके सामने होगा, सुनिएगा। कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। तो विट्ठल व बोस मंत्रणा कभी ना भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। और मुझे प्रथम बार नेताजी ने, आपकी जानकारी होगी कि अंडमान निकोबार को मुक्त कराया। अभी कुछ दिनों पहले सेलुलर जेल में एक आयोजन अंडमान निकोबार में हुआ, मैं वहां पे कायपाठ करने गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नेताजी की जयंती मनाई जा रही थी। मैंने कुछ नई बातें नेताजी के लिए लिखी हैं और आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था, लोगों ने कहा कि किस तरह की संख्या होगी, हम लेट हो गए हैं तो संख्या उठ गई होगी। मैं संख्या के लिए आश्वस्त इसलिए हूँ कि 1.25 लाख के बराबर के तो अकेले एक सरदार जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, 1.25 लाख की शक्ति हमारे मंच के पास वैसे ही है, तो संख्या की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुओं की इस बलिदानी परंपरा को जिसका प्रतिनिधित्व हमारे बीच में हो रहा है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि देश से बड़ा ना कोई धर्म कोई परिवार,
देशभक्ति सा कोई प्रकाश दूसरा नहीं, देश से बड़ा न कोई धर्म कोई परिवार, देशभक्ति सा कोई प्रकाश दूसरा नहीं, साथी नहीं आत्म कोई आत्म बल सा जहाँ में, और कर्म से अधिक कुछ खास दूसरा नहीं। तो कितने ही बलिदान हुए रण बाकुरे हैं, दृष्टि में चिरंतन प्रभास दूसरा नहीं, विश्व है विनत जिसके अमोघ कौशल से, धरती पे हुआ है सुभाष दूसरा नहीं, धरती पे हुआ है सुभाष। और क्यों नहीं हुआ है सुनिएगा, मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन, उस अमरत्व की कहानी को प्रणाम है। मौत को भी मात देने वाला दूसरा है कौन, उस अमरत्व की कहानी को प्रणाम है। प्रभुता पराक्रम की सारा विश्व देख चुका, उतरा ना कभी उस पानी को प्रणाम है। तो ज्वाल सी धधकती रही जो कर्म पंथ पर, ज्वाल सी धधकती रही जो कर्म पंथ पर, क्रांति की अपूर्व नौजवानी को प्रणाम है। सदिया करेंगी याद भारत के नाहर को, अमर सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। अमर सुभाष बलिदानी को प्रणाम है, अमर सुभाष बलिदानी को। और चार चार पंक्तियों से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये चीखने चिल्लाने की बातें क्यों किया करते हो, उम्र तुम्हारी कुछ प्यार मोहब्बत पे लिखने की है, दिखते भी ठीक ठाक हो, तो कुछ प्यार मोहब्बत पे कविताएं लिखा करो। मैं चार पंक्तियों में एक उत्तर देता हूं और अपनी कुछ बात आपके बीच में कहने की कोशिश करता हूं कि हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे। हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे, किंतु तिरछी नज़र देश पर यदि उठी, वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे। वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे। नींव बलिदान हैं, देश प्राचीर है। इस देश के अंदर टीवी चैनलों पर बहस होती है, कोई कहता है ये देश हिंदुओं का है, कोई कहता है ये देश मुसलमानों का है। मैं कहने की हिम्मत करता हूँ ये देश किसका है, सुनिएगा, कि नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है। नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है। इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, देश ऐसे शहीदों की जागीर है, देश ऐसे शहीदों की जागीर है। भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को। पिछले कुछ वर्ष पहले हमने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे दो बेटों के शीश काट करके रख लिए। मैंने एक कल्पना करने की कोशिश की कि अगर बिना शीश के शव माँ के दरवाजे पे ला के रखे गए होंगे तो ऐसी कौन सी इच्छा रह गई होगी जो अधूरी रह गई होगी। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि क्या दृश्य बना होगा, सुनिएगा, कि भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो तिरंगा उड़ा।